हरिद्वार रेलवे स्टेशन मास्टर को कई बार धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं और इन पत्रों में हरिद्वार रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। आज तक पुलिस के द्वारा धमकी भरे पत्र भेजने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, मगर पहली बार इस मामले में जीआरपी की पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराकर जाँच की जा रही है कि आखिर धमकी भरे पत्र किसके द्वारा भेजे जाते हैं। अभी इस बार तो हमने एफआईआर दर्ज किया है ताकि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो एंड उसमें कौन इस तरीके से कर रहे हैं उन तक हम पहुंचे। एक्चुअली इसमें हमें लगा अभी तक कितना भी लेटर्स इस तरीके से रेलवे में प्राप्त हुआ है वो सब कोई एक ही आदमी इस तरीके से कर रहे हैं ऐसे हमें लगा, बिकॉज अभी तक कितना भी चिट्ठी प्राप्त हुआ हो सभी में इंक्वायरी भी हुआ है, बट इसके पीछे हमें लगा कोई ऐसे कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है, बट कोई एक आदमी इसको कर रहे हैं वैसे हमें अभी तक जांच में लगा, बट फिर भी हमने इस बार एफआईआर दर्ज करके इसमें डीपली हम